Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am C. Palak Pavagadi. We are in Capital Gain and this is Capital Gain lecture 15th. In the earlier lectures, we had different exemptions. 54 liya, 54 B liya, 54 EC liya, 54 F liya. Aaj mujhe sabko merge karke, aapko jo aaj ke lecture mein mujhe samjhana hai, abhi ye lecture mein samjhana hai, wo mujhe samjhana hai difficult. आप सोचोगे कि हो गए डिफिकल्ट, लेट अस चेक आउट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ही सम से. मैं एक बार रिवीजन आपको दे दूं तो हमने अब तक जो एग्जम्पशन सीखे हैं, चार एग्जम्पशन हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, उसमें सेक्शन कौन सा हमने सबसे पहले सीखा, वो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक बार रिवीजन करवाने के लिए, कौन सी असेट बेचनी है और सामने कौन सी असेट आपको परचेज करनी है फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द एग्जम्पशन. नाउ इन 54 यू नीड टू सेल ऑफ लॉन्ग टर्म रेसिडेंस. क्या बेचो भाई? लॉन्ग टर्म रेसिडेंस. एंड परचेस क्या करो? वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया. दूसरा, अगर आपने कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का ही हो तो आप 2 घर भी परचेस कर सकते हो, बट इट शुड बी इन इंडिया एंड इट इज अवेलेबल ओनली वंस इन द लाइफ टाइम. मैंने 54 में सिखाया है. मेरा मुद्दा है रेसिडेंस बेच के रेसिडेंस लो तो 54 मिलता है. 54B इज अवेलेबल वेन यू सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. I'll be clear with the word urban agriculture land. Actually 54B के वर्ड से agriculture land sold, but rural तो capital asset ही नहीं है, and that's the reason I am very clear with the word. What you have to sell off is not rural, but you have to sell off urban agriculture land, and within 2 years after the date of transfer, you have to buy urban or rural एग्रीकल्चर लैंड. अब क्या परचेस करो, अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यू वुड बी एबल टू एंजॉय 54B एग्जम्पशन. तीसरा है मेरा 54EC, वेरिन यू नीड टू सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इमूवेबल एसेट, एंड आपको परचेस करना है NHAI और REC bonds within the period of 6 months of the date of transfer, then redeemable after 5 years. Lock-in period is 5 years. And अभी जो मैंने last लिया वो 54F था. You need to sell off any long-term capital asset other than residential house. एन यू अक्वायर आइदर फर्स्ट, 0 हो तो पहला हो तो दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, यू वुड बी एबल टू अवेल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F. अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे जो 4 एग्जम्पशन है ना, उसमें से मैं ये 2 को नामकरण कर रहा हूं. ये अपना है, होम प्रोडक्शन है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन, एंड ये दोनों को मैं नामकरण कर रहा हूं एस फ्रेंड्स जनरल एग्जम्पशन. मैं फंडामेंटल समझाऊं, ऐसा मैंने क्यों किया. स्पेसिफिक का मतलब है यही असेट बेचो, यही असेट अक्वायर करो. हाउस बेचो, हाउस परचेस करो. एग्रीकल्चर बेचो, एग्रीकल्चर परचेस करो. मिक्स इट स्पेसिफिक. जनरल का मतलब है कुछ भी बेचो एंड बॉन्ड्स परचेस करो.
कुछ भी में इमूवेबल बेचो एंड बॉन्ड्स परचेस करो. 54F में कुछ भी बेचो अदर देन रेसिडेंस एंड हाउस परचेस करो फर्स्ट और सेकंड. मिक्स द एग्जम्पशन जनरल. ये मेरे टाइप्स ऑफ एग्जम्पशंस हुए डिफिकल्ट सम्स में, बराबर. ये मैंने रिवीजन लिया. अब देखो फ्रेंड्स, मेरे यहां जो सम्स बनेंगे वो चार अलग अलग टाइप के बनेंगे, जहां पे मैं सीरियल नंबर ले रहा हूं और असेट सोल्ड ले रहा हूं, असेट अक्वायर्ड ले रहा हूं. अब तक हमने एक असेट बेच के एक असेट परचेस की, ऐसे बहुत सारे सम लिए. मैंने हाउस बेचा, हाउस परचेस किया. मैंने एग्रीकल्चर बेची, एग्रीकल्चर लिए. मैंने कल घर बेचा था, NHAI के बॉन्ड्स लिए थे. आज के अभी मैंने थोड़े टाइम पहले लास्ट लेक्चर में गोल्ड बेचा, फर्स्ट हाउस परचेस किया. एक असेट बेच के एक असेट परचेस करो, सिंपल सम्स हुए. थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब मैं एक असेट बेच के एक से ज्यादा असेट परचेस करूं. मीनिंग देयर बाय मैं लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस भी अक्वायर करूं एंड मैं NHAI के बॉन्ड्स भी अक्वायर करूं. इन दिस केस कैन वी से एक साथ एक से ज्यादा एग्जम्पशन मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 54 मिल रहा है एंड यहां पे 54 इसी मिल रहा है. तो ऐसे जो मेरे सम्स हो गए ना फ्रेंड्स, उसको हमने ही नामकरण किया हुआ है कंबाइन एग्जम्पशन सम्स. और ये कंबाइन एग्जम्पशन सम्स सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन बाइबलिक रूल्स है. मेरा रूल पहला, ऑलवेज अवेल स्पेसिफिक एग्जम्पशन 54 एंड 54B फर्स्ट एंड देन अवेल जनरल एग्जम्पशन 54EC एंड 54F. कोई भी सम में एक से ज्यादा एग्जम्पशन आए ना, तो पहले स्पेसिफिक लेने का, हाउस टू हाउस या एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर, उसके बाद जनरल टू. जनरल किसी से भी मिल जाता है एंड दैट्स द रीजन जनरल टू बी कैप्ट एट अ लेटर स्टेज. हमारे सम में हम पहले 54 लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, 54EC. ये मेरा पहला रूल हुआ. अब फ्रेंड्स, तीसरी कैटेगरी के सम्स हो गए जिसमें आपने एक से ज्यादा असेट बेची है और एक असेट परचेस की. लाइक आप गोल्ड बेचो, सिल्वर बेचो एंड फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस अक्वायर करो. हम सब सॉल्व कर रहे हैं, यही वाले सम पहले सॉल्व कर रहे हैं. देन इट वुड बी मोर देन 1:1. एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज जो फाइनल CA में जाएगा, मोर देन 1 असेट सोल्ड, मोर देन 1 असेट अक्वायर्ड. घबरा मत जाना. लॉन्ग टर्म रेसिडेंस बेचा, लॉन्ग टर्म अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, लॉन्ग टर्म नॉर्मल लैंड बेची, गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचे, डायमंड बेचे, और मेरे असेसी ने रेसिडेंशियल हाउस लिया, एग्रीकल्चर लैंड परचेस की, NHAI के बॉन्ड्स परचेस किए, REC के बॉन्ड्स परचेस किए, सब आ गया, देन इट वुड बी अ कंबाइन एग्जम्पशन. हम डरना नहीं है, तीन बाइबलिक रूल अप्लाई करो. कौन सा पहला रूल है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन फर्स्ट एंड देयर आफ्टर यू नीड टू गो फॉर जनरल एग्जम्पशन. पर मान लीजिए कि यहां पे लॉन्ग टर्म रेसिडेंस हाउस की जगह ये लॉन्ग टर्म लैंड होती
और ये फर्स्ट हाउस होता। तो कैन वी से लॉन्ग टर्म लैंड बेच के फर्स्ट हाउस परचेस करो एंड एनएचएआई परचेस करो, तो हाउस परचेस करने पे एफ एंड एनएचएआई परचेस करने पे ईसी का एग्जम्पशन आए। अब दोनों जनरल एग्जम्पशन हो गए, अगर दोनों जनरल हो गए ना साहब, तो मेरा दूसरा बाइबलिक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा दूसरा बाइबलिक रूल होगा सेक्शन 54F इज ऑलवेज टू बी कैप्ट एट लास्ट। 54F को लास्ट में रखो। 54F प्रोपोर्शनेट मिलता है, कम मिलता है, एंड दैट्स द रीजन इट शुड ऑलवेज बी कैप्ट एट लास्ट फ्रेंड्स। एंड माय थर्ड रूल इज ऑल एग्जम्पशंस आर टू बी कंप्यूटेड ऑन, फ्रेंड्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अब ये ग्रॉस अमाउंट क्या है, ये कैसे कंप्यूट होगा, वो मैं अभी अच्छे से समझा रहा हूं, बट आप पहले जरा भी टेंशन लिए बगैर ये इतना कॉपी कर लीजिए। ये रफ मैंने लिखा था तो इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूं, यहां पे ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, तो दिस आई एम रिमूविंग। आपको कॉपी कैसे करना है वो एक मिनट में समझा दूं। फ्रेंड्स आप सबसे पहले लिखोगे ये, उसके बाद लिखोगे ये, एंड उसके बाद लिखोगे कंबाइन एग्जम्पशन के रूल्स। एंड हम 2+1=3 कंबाइन एग्जम्पशन सम्स पे जा रहे हैं विद अदर निटिग्रिटी ऑफ द कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम ऑल्सो। मेक अ कॉपी प्लीज, यू हैव 5 to 7 minutes फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स टू वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, डिपॉजिट वाला फंडा भी यहां पे हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। ओके, मे बी गो इट प्लीज। देखिए आप आपके मॉड्यूल से नौकार के मटेरियल से सम नंबर 23 पे चलते हैं। गोस दिस वे, मिस्टर मार्टिन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट इज सोल्ड For 70 lakh, which was purchased by him for 20,50,000 on 5th May 2008. Thereafter, you are given that he paid 1 lakh as brokerage for the sale of the property and the stamp duty value assessed by sub-registrar was 80 lakh. He bought another house property at 15 lakh. He deposited 5 lakh in the NHAI bonds. He deposited another 10 lakh on 10th of July 20 in the capital gain deposit scheme with SBI for construction of additional floor in the house property. A deposit wala funda maine kal ke lecture mein khali bola tha, earlier lecture mein rather khali bola tha, samjhaya nahi tha. I am to cover up the same. Ab ye sum mein काफी कुछ चीजें आ रही हैं, ये लेवल के सम इंस्टीट्यूट जनरली पूछते हैं, ये मॉड्यूल से ही अडॉप्ट किया हुआ हमारा सम है। आई विल गो टू सम नंबर 23 फॉर यू फ्रेंड्स। इट्स फॉर मिस्टर मार्टिन, वी हैव प्रीवियस ईयर 1920 relevant to 2021. For Mr. Martin, ये particular sum में can I say जो residential house बेचा है उन्होंने उसकी consideration में लेने जाऊं
तो आपके पास बुक की कॉपी पड़ी है, आप चेक करें, मैंने घर बेचा है 70 लाख में, राइट फ्रेंड्स? नाउ मैंने 70 लाख में घर बेचा जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू असेस्ड बाय सब रजिस्ट्रार इज 80 लाख 50 सी, इट इज एक्चुअल सेल्स प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, एंड यहां पे 70 लाख की सेल्स प्राइस है, माय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज हायर बाय 105%, 105% ऑफ 70 लाख विल बी 73 लाख 50 थाउजेंड, उससे हायर है, तो आई हैव टू टेक माय कंसिडरेशन फ्रेंड्स इन द गिवन सम टू बी, कैन आई से 80 लाख, एंड इसमें से मुझे सम में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ही पेड 1 लाख एज ब्रोकरेज फॉर द सेम, सो मैं ब्रोकरेज एज एन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर डिडक्ट करूं तो मेरी ब्रोकरेज कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 1 लाख रुपीज, एंड दैट्स हाउ कैन आई से माय नेट कंसीडरेशन इज कमिंग टू 79 लाख, जिसमें से हम अगर हमारी इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करने जाए तो मैंने ये घर जो लिया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप चेक करो तो मैंने ये घर लिया था 20 लाख 50 थाउजेंड में, 5 मई 2008 को, 89 का इंडेक्स नंबर है 137, सो 20 लाख 50 थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर, कैन वी से 20 लाख 50 मल्टीप्लाइड बाय सेल डिवाइडेड बाय एक्विजिशन, दैट वुड बी गिविंग यू 43 लाख 24 थाउजेंड 450, विच इज राउंडेड ऑफ बाय मी, एंड माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर हियर बिफोर एनी एग्जम्पशन विल बी 35 लाख 75,550। ये तो मैंने खाली कैपिटल गेन कंप्यूट किया 50C अप्लाई करके, इंडेक्सेशन अप्लाई करके, और मैंने कुछ भी यहां पे टेंशन वाला पॉइंट नहीं लिया है। नाउ लिसन फ्रेंड्स, इन द गिवन सम मेरे असेसी ने लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, ये रेसिडेंशियल हाउस बेच के मेरे असेसी तारीख ले ले 8 जून 2019 को बेचा है, बराबर है, एंड ये 8 जून 2019 को रेसिडेंशियल हाउस बेच के मेरे असेसी ने नया रेसिडेंशियल हाउस भी लिया, क्वेश्चन देखेंगे आप तो, एंड NHAI बॉन्ड्स भी लिए। हाउस लो तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन है, बॉन्ड्स परचेस करोगे इमूवेबल एसेट बेच के तो 54EC का एग्जम्पशन है। अब एक असेट बेच के मेरा असेसी दो असेट ले रहा है, ही विल बी गिवन द एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू, एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट, ये घर परचेस करने के लिए मेरे पास टाइम है 7 जून 2021, ये घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास टाइम है 7 जून 2022। ये पता चल रहा है मैं कहां से ला रहा हूं फ्रेंड्स, हियर 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, बट माइन इज प्रीवियस ईयर 1920, उसका मेरा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आ जाएगा 31 जुलाई 2020 को। तो अगर ये 31 जुलाई 2020 तक मैं कुछ परचेस की कॉस्ट इनकर ना कर पाया
कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इनकर ना कर पाया तो मुझे 31 जुलाई 2020 तक गवर्नमेंट को मेरे इंटेंशन बताने के लिए ये रुपए डिपॉजिट करवा देने पड़ेंगे इन द शेड्यूल बैंक इन अ स्पेशल डिपॉजिट स्कीम कॉल्ड कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में ये रुपए मुझे जमा करवा देने पड़ेंगे। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा, बॉन्ड्स मुझे परचेज कर लेने हैं अप टू कैन आई से 7th of December 2019। ये पता चल रहा है कहां से ला रहा हूं मैं 7th December 2019 विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर आई नीड टू बाय द बॉन्ड्स आई नीड टू परचेज द बॉन्ड्स एंड फ्रेंड्स मुझे ये बॉन्ड्स विद इन 6 months एक बार कर लेने पड़े। वेरी वेरी क्लियर यहां तक। अब समझो मेरे असेसी ने क्या किया। मेरे असेसी ने ही बॉट, ये वाला लाइन में पढ़ रहा हूं, अनदर प्रॉपर्टी ऑन 25th December 2019 फॉर 15 लाख। चेक करना जो भी परचेज की कॉस्ट इनकर की, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इनकर की, वो ड्यू डेट तक होनी चाहिए 25th December 2019 तक। उन्होंने परचेज किया वेल इन टाइम विद इन 2 years इवन अप टू द ड्यू डेट। कितनी कॉस्ट इनकर की उन्होंने परचेज के लिए आप चेक करोगे तो ही परचेस्ड एट 15 लाख। सो इफ ही परचेज इज एट 15 लाख, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इट वुड बी एलिजिबल फॉर 54 एग्जम्पशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर वन। नंबर टू, मेरे असेसी ने यह परचेज करने के साथ साथ वॉट ही डीड वॉस, उन्होंने ही डिपोजिटेड 5 लाख ऑन 10th November 2019 इन द कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ही डिपोजिटेड ऑन 10th November 2019 NHAI के बॉन्ड्स में। सो ऑन 10th of November 2019 डिपोजिटेड, कैन वी से ये भी वैलेंटाइन्स 6 महीने के अंदर ही हुआ। तो ये जो 6 महीने के अंदर हुआ ना, दैट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे असेसी को ये घर परचेज करने के बाद लगा कि ग्राउंड फ्लोर मैंने परचेज किया है, मुझे ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना है, एंड हेंस ही वॉन्टेड टू मेक कंस्ट्रक्शन बट ही कुडंट इनकर एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन। बीच में ड्यू डेट आ जाए ऐसा था तो व्हाट ही डीड वाज, ही डिपॉजिटेड अनदर 10 लाख ऑन 10th July 2020। दिस शुड बी अप टू 31st July 2020, ऑन और बिफोर 31st of July 2020। इफ ही हैज डिपॉजिटेड, ही हैज फुलफिल्ड द कंडीशन एंड यू विल बी एबल टू अवेल द एग्जम्पशन ऑन 10th of July 2020। ही डिपॉजिटेड ऑन 10th of July 2020, ही मेड डिपॉजिट। सर कितने की डिपॉजिट करवाई है मेरे क्लाइंट ने आप चेक करोगे, रुपीस 10 लाख की। तो ही वुड बी एबल टू अवेल द एग्जम्पशन ऑन दिस डिपॉजिट ऑल्सो। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे सम में कुछ आपकी पोजीशन ऐसी है कि मेरे क्लाइंट को ये सम में 54 भी मिल रहा है, 54 ईसी भी मिल रहा है, दो एग्जम्पशन आ रहे हैं, कंबाइन एग्जम्पशन सम है। ऑलवेज यू आर वेरी क्लियर कि आपको पहले लेना पड़े स्पेसिफिक एग्जम्पशन, दैट इज 54। एकदम परफेक्टली मैं मेरे आंसर में लिखूं, 25th December 2019 को मेरे क्लाइंट ने परचेज किया, उसकी कॉस्ट आएगी 15 लाख, एंड मेरे क्लाइंट ने 10th जुलाई 2020 को डिपॉजिट किया टू सो हिज इंटेंशन दैट फ्यूचर में वो ये रुपए से कंस्ट्रक्ट करेगा एडिशनल फ्लोर, ही विल बी एबल टू अवेल द एग्जम्पशन फॉर द बोथ ऑफ देम एंड हिज टोटल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 विल बी 35,75,550 और 25 लाख, विच एवर इज लेस, दैट वुड बी गिविंग यू 25 लाख रुपीज। एंड देयर आफ्टर मेरे क्लाइंट ने, फ्रेंड्स खास समझिए, व्हाट ही डीड वाज, उन्होंने
ये NHAI के बॉन्ड्स लिए है। NHAI के बॉन्ड्स के लिए उन्होंने परचेज किए है 10th नवंबर 2019 को NHAI बॉन्ड्स। कितने के परचेज किए मेरे क्लाइंट ने? 5 लाख के। कैन वी से ही विल बी एबल टू अवेल द एग्जम्पशन ऑन द ग्रॉस अमाउंट 35,75,000 और 5 लाख व्हिच एवर इज लेस ही वुड बी एबल टू अवेल द एग्जम्पशन। NHAI 5 लाख के, एक बार चेक कर लीजिए, NHAI के बॉन्ड्स 5 लाख रुपए के है, ही वुड बी डेफिनेटली एबल टू अवेल द एग्जम्पशन ऑफ 5 लाख। एंड फ्रेंड्स, दोनों एग्जम्पशन लेने के बाद अगर मैं दोनों एग्जम्पशन को लेस करूँ तो मेरा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 5,75,550। मैंने दो एग्जम्पशन लिए, 54 भी लिया, 54 ईसी भी लिया, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंने क्या करवाया, डिपॉजिट भी करवाई। कहाँ पे डिपॉजिट करवाई? इन द कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम ऑल्सो। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये सब में डेट्स, अमाउंट एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू कवर अप। आप इसको अच्छे से कॉपी करोगे, दो एग्जम्पशन आए तो पहले स्पेसिफिक एंड बाद में ही कौन सा एग्जम्पशन लेना है, जनरल एग्जम्पशन। इतना एक छोटा सा फंडा हुआ। अभी मैं इसको थोड़ा एक स्टेप आगे ले जा रहा हूं, बट पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए। यू हैव 5 to 7 minutes फॉर कॉपिंग द सेम प्लीज। यस फ्रेंड्स, मे बी विथ द नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी थोड़े स्टेप्स हम आगे जा रहे हैं, सम सिमिलर लेवल का होगा विथ सम कंफ्यूजन, एंड दैट इज फ्रॉम योर मटीरियल क्वेश्चन नंबर 21। रॉय इज एट 55 ईयर्स, ओन्ड अ रेसिडेंशियल हाउस एट गाजियाबाद, इट वॉज अक्वायर्ड बाय रॉय ऑन 10/10/2010 फॉर 24 लाख। ही सोल्ड द सेम एट 65 लाख ऑन 4th November 2019. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज 72 लाख, 50C इज कमिंग इन टू प्ले। असेसी पेड 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अपेरेंटली सिमिलर लेवल का सम है, खाली ब्रोकरेज का वहां पे अमाउंट दी हुई थी, यहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो खाली थोड़ा हमें समझना है। अब देखिए, मिस्टर रॉय की बात करें तो इन सम नंबर 24 मिस्टर रॉय के लिए 1920 रेलेवेंट टू 2021 में हमारे असेसी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारे असेसी बेच रहे हैं वो अनडाउटेडली इट्स रेसिडेंशियल हाउस। तो कैन वी से फ्रेंड्स, माय कंसीडरेशन एज पर सेक्शन 50C विल बी 72 लाख। कहां से आया 72 लाख, एक बार फिर से समझाऊं। मेरी सेल्स प्राइस है 65, बट माय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 72। कैन वी से 72 इज हायर देन 105% ऑफ 65, एंड हेंस आई नीड टू टेक 72 लाख। 72 इज हायर देन 105% ऑफ 65, आई नीड टू टेक 72 लाख। फ्रेंड्स, प्लस ही पेड 2% ऑफ द सेल कंसीडरेशन एज ब्रोकरेज। भले मेरी कॉम्प्यूटेड कंसीडरेशन अंडर 50C 72 लाख आ रही है, पर ब्रोकरेज जो हम पे करेंगे ब्रोकर को, वो थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी पे पे करेंगे, वो तो जो प्राइस डिसाइड होगी उसके ऊपर ही भरेंगे। सो दिस 2% ऑफ ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन 65 लाख। यहां पे मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स, ब्रोकरेज 2% ऑफ 65 लाख, दैट वुड बी गिविंग यू 130, एंड माय नेट कंसीडरेशन फॉर द सेल कैन आई से इज कमिंग टू
70,70,000 एंड इसमें से हम हमारी इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट कर दें। 2010 में मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज की है 24 लाख रुपए में। 2010-11 का इंडेक्स नंबर 167 है, बट फिर भी मैं एक बार देखो जरा भी रिस्क लिए बगैर चेक कर लेता हूं फ्रेंड्स, 24 लाख में मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी, बराबर है, 24 लाख में मैंने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, तो मैं 24 लाख को यहां पे इंडेक्स करूं, 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 167 करके मैं इसको इंडेक्स करूं, तो इट विल बी गिविंग मी 41,53,290 एंड फ्रेंड्स माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमिंग इन इज 70,70,000 लेस 41,53,290 विल बी गिविंग यू 29,16,710 29,16,710 इज कमिंग इन एज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां तक परफेक्टली सेट है, एक ही नया पॉइंट आया, देन द लास्ट सम ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल सेल्स प्राइस फ्रेंड्स, दैट शुड बी वेरी केयरफुली केप्ट इन माइंड। नाउ लिसन, आई एम ट्राइंग टू टेक यू टू वर्किंग नोट नंबर 1 एंड ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरे असेसी ने ये सब में 4th नवंबर 2019 को लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस गाजियाबाद में बेचा हुआ है। सो 4th नवंबर 2019 लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस असेसी ने बेचा। अब अगर सम को मैं चेक करूं ना, तो चेक असेसी क्या ले रहा है वो देखो। रॉय एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस इट कोलकाता, ही सोल्ड रेसिडेंस, ही परचेस्ड आल्सो रेसिडेंस एट कोलकाता एट 7 लाख, देयर आफ्टर ही डिपॉजिटेड 3 लाख ऑन 10th April 2020 एंड 5 लाख ऑन 15 June 2020 इन द कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरईसी के बॉन्ड्स ले रहा है, सॉरी, देयर आफ्टर ही डिपॉजिटेड, एक्सक्यूज मी, 4 लाख on 6 July 2020 and 9 lakh on 1st November 20, the capital gain deposit scheme for the purpose of construction of additional floor in the property. Almost the sum is going in a similar manner, subject to what my assessee is buying over here is, can we say ye bech ke mere assessee le rahe hai residential house, तो ये रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर एग्जम्पशन कौन सा आने वाला है, 54, एंड मेरे असेसी ले रहे हैं आरईसी बॉन्ड्स, आरईसी बॉन्ड्स के ऊपर एग्जम्पशन कौन सा आने वाला है, 54 ईसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट समझना, आई हैव टू बाय द हाउस Can I say up to 3rd November 2021? कहां से लाया पता चला? 4th November 19 को बेचा है, 2 years तक परचेस कर लेना है, और अगर मुझे नया कंस्ट्रक्शन करना हो तो आई हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन बाय 3rd November। फ्रेंड्स इट शुड बी कंप्लीटेड अप टू 3rd नवंबर 2022 within 3 years of the date of transfer. अच्छा bonds, अच्छा I forgot my mistake. बीच में अगर due date of filing of return आ जाए, that is 31st of July आ जाए, then in that particular case friends, आपको क्या करवाना पड़े, deposit up to ड्यू डेट, और आई शुड बी सिंपली राइटिंग कि ये 31st जुलाई
मेरी क्या है फ्रेंड्स, मेरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, तो मुझे यहां तक क्या करवाना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना मेरे लिए क्या है, कंपलसरी है। दूसरा महत्व का मुद्दा, मैंने आरईसी बॉन्ड्स लेने हैं अप टू 2020। सर कहां से ला रहा हूं थर्ड में 2020, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर आई हैव टू बाय द आरईसी बॉन्ड्स। ये सब मेरी ड्यू डेट्स दी हुई है, और अदर नहीं दी नहीं है, आई वुड से आई हैव फाउंड आउट 2 ईयर्स 3 ईयर्स परचेज और कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली एनएचईआई के लिए विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब हम चेक करें हमारे सामने, तो मेरे असेसी ने 10th दिसंबर 19 को 7 लाख रुपए में कोलकाता प्रॉपर्टी बाय की। कैन आई से इफ ही बायस ऑन 10th दिसंबर 2019 कोलकाता की प्रॉपर्टी 7 लाख में बाय करे, कैन वी से दैट वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। दिस इज वन। दूसरा, मेरे क्लाइंट ने, मेरे असेसी ने 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए ऑन 10th अप्रैल 20 एंड 5 लाख डिपॉजिट किए ऑन 15 जून 20 इन द कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मीनिंग देयर बाय कैन आई से ही बॉट द बॉन्ड्स ऑल्सो। कितने के बॉन्ड्स उन्होंने परचेज किए, 3 लाख के 10 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए के बॉन्ड्स। फ्रेंड्स 10 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए के बॉन्ड्स उन्होंने बाय किए एंड 15 जून 2020 को 5 लाख रुपए के बॉन्ड्स उन्होंने बाय किए। फ्रेंड्स 15 जून 2020 को 5 लाख रुपए के बॉन्ड्स उन्होंने बाय किए। अब इसको मैं पहले चेक करूं, कैन आई से ये 7 लाख एलिजिबल हो जाएगा बिकॉज इन टाइम है, परचेज अप टू ड्यू डेट है 2 ईयर्स है, ये 3 लाख एलिजिबल हो जाएगा। क्यों एलिजिबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो विद इन 6 मंथ्स, बट द बॉन्ड्स परचेज्ड बाय यू ऑन 15 जून 2020 इज परचेज्ड बाय यू, बट दैट वॉन्ट क्वालिफाई फॉर 54EC। वाई इट विल नॉट क्वालिफाई फॉर 54EC, बिकॉज इट इज परचेज्ड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। यू हैव टू बाई इट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड गिवन अंडर सेक्शन 54EC। यहां पर मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऐसा ट्विस्ट करेगी। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंस इमोबल प्रॉपर्टी सेल करके आप बॉन्ड्स परचेस करो तो आपको ईसी मिल जाता है, बट ये बॉन्ड 6 महीने के अंदर परचेस किए हो तो ही 54EC मिलता है, अदरवाइज 54EC मिलता नहीं है। 5 लाख आपने इन्वेस्ट किए, ईसी में इन्वेस्ट किए, बट आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, दूसरा महत्व का मुद्दा, ही डिपोजिटेड, ये वाले में पढ़ रहा हूं लाइन, डिपोजिटेड 4 लाख ऑन 6 जुलाई 20 एंड 9 लाख ऑन 1 नवंबर 20 इन द कैपिटल गेन डिपोजिट स्कीम ऑफ नेशनल बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल फ्लोर ही वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट। सो ऑन 6 जुलाई 20 उन्होंने 6 जुलाई 20 को 6 जुलाई 2020 को 4 लाख, यानी 1 नवंबर 20 को 9 लाख एंड 1 नवंबर 2020 को ही मेड द डिपॉजिट ऑफ 9 लाख। आपके लिए ओब्लिगेटरी है कि आप कंस्ट्रक्शन करो कंप्लीट अप टू 3rd नवंबर 20, बट टू शो योर इंटेंशन दैट यू वॉन्ट टू मेक द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू पार्क द फंड, डिपोजिट द फंड इन द स्पेशल अकाउंट कॉल्ड कैपिटल गेन डिपोजिट स्कीम अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट,
ये 4 लाख आपने डिपॉजिट ऑन और बिफोर ड्यू डेट किए हैं एग्जम्पशन मिलेगा, बट ये 9 लाख आपने डिपॉजिट करवाए आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। मुझे ये सब में जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल समझाना था वो था नंबर वन, आफ्टर 6 मंथ्स अगर 54EC के बॉन्ड्स परचेस करोगे तो 54EC के बॉन्ड्स के ऊपर ईसी का एग्जम्पशन ना मिले। नंबर टू, अगर आप परचेज या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डायरेक्टली इनकर करो अप टू ड्यू डेट एग्जम्पशन मिले, अप टू ड्यू डेट डिपॉजिट करवाओ तो एग्जम्पशन मिले, बट आफ्टर ड्यू डेट अगर आप डिपॉजिट करवाओ तो आपको एग्जम्पशन ना मिले। ये सब में दो सेक्शन आ रहे हैं, 54 का भी एग्जम्पशन आ रहा है एंड इसी भी आ रहा है। पहले 54 लेंगे, 10th December 2019 यू हैव मेड परचेज, सो दैट परचेज विल बी एलिजिबल 7 लाख। फिर आपने 6th July 2020 को क्या करवाया, डिपॉजिट, 4 लाख की डिपॉजिट पे भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, बट आपने 1st November 2020 को जो डिपॉजिट करवाया है दैट डिपॉजिट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन एंड आपका 54 का एग्जम्पशन हुआ 11 लाख रुपीज। दिस 9 लाख वुड नॉट बी एलिजिबल एनीवेयर। सेम वे अभी आप 54EC का एग्जम्पशन लेने जाओ तो योर 54EC एग्जम्पशन विल बी फॉर REC बॉन्ड्स। फ्रेंड्स, आपने 10th April 2020 को REC बॉन्ड्स लिए हैं 3 लाख के, दैट वुड बी एलिजिबल। एंड फिर आपने 15 June 2020 को REC बॉन्ड्स लिए हैं, सॉरी इट वुड नॉट बी एलिजिबल। वाई इट वुड नॉट बी एलिजिबल, बिकॉज इट इज आफ्टर फ्रेंड्स 6 मंथ्स, एंड आप ये दोनों डिडक्ट करो तो आपका नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 29,16,710 में से मैं 11 and 3 डिडक्ट करो तो इट वुड बी गिविंग मी 15,16,710। लास्ट सम जैसा ही सम है, नया फंडा आया ब्रोकरेज परसेंटेज में दी हुई है, नया फंडामेंटल आया आफ्टर ड्यू डेट डिपॉजिट करो एग्जम्पशन ना मिले, नया फंडामेंटल आया आफ्टर 6 मंथ्स अगर NHAI के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो REC के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो तो भी एग्जम्पशन ना मिले। फ्रेंड्स, दिस इज अ क्लासिकल सम, इससे डिफिकल्ट इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करेंगे, आपको इतना अच्छे से कॉपी करना है। एंड फ्रेंड्स, स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 1 डिफिकल्ट प्रैक्टिकल विच आई विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन फ्रेंड्स, विल कीप इट ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.